हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम विच इज ओनली इंटेंटेड टू बी एप्लीकेबल ऑन अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एग्जाम्पल कंप्यूटर चेस। Siri is a good example of narrow intelligence. It operates within a limited predefined range. There is no genius intelligence, no self-awareness, no life despite being a sophisticated example of वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका ओवरव्यू मैं अगर आप लोगों को दूं कि ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो कि स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ डील करे वो कहलाता है वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। और इसकी एग्जांपल यहां पर आपको दी गई है कंप्यूटर चेस। मीन्स अगर हम लोग चेस की एग्जांपल लें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्ट्रांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Strong artificial intelligence is the intelligence of a machine that could successfully perform any intellectual task that a human can. Means एक ऐसा सिस्टम जो कि आपकी वो सभी टास्क परफॉर्म कर सके उस टाइप से जिस टाइप से ह्यूमन करता है। Strong AI also known as full AI। यहाँ पर हम लोग strong AI को full artificial intelligence भी कहते हैं और general intelligent action। The followers of the AI believes that by giving a computer program sufficient processing power and by providing it the enough intelligence, one can create a computer that can think and can conscious in the same way that a human is conscious. Means अगर हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम को इस टाइप की प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड करें कि वो ह्यूमन की तरह थिंक कर सके, ह्यूमन की तरह एक्ट कर सके, सो दैट सिस्टम विल बी नोन एज अ स्ट्रांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ ए वीक एआई एंड स्ट्रांग एआई। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस।